फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हु इज हु हैज ऑक्यूपाइड द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ना, तो इसलिए ये खास है थोड़ा सा, ठीक है। प्रेसिडेंट तो हर साल इलेक्ट होते हैं, लेकिन मतलब हर साल मतलब हर 5 साल पे ना, तो लेकिन ये खास क्यों है, क्योंकि एक तो महिला है, लेकिन महिला ये पहली है, सेकंड, फर्स्ट कौन था, प्रतिभा सिंह पाटिल, और ये सेकंड वुमेन है, और उसके बाद में फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, उड़ीसा से आती है, तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं? ये संथाल ट्राइब, बहुत सारे ट्राइब होते हैं, ठीक है, इंडिया में, उसमें से संथाल ट्राइब की हैं सदस्य, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, संथाल ट्राइब। यस पिंटू, बिल्कुल सही बात। अब यहां पर यह है कि इसका हमें यह डिस्कस करना है कि प्रेसिडेंट का, और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? हाँ, यस 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए रहेंगी ना, और तो इसमें हम लोग को डिस्कस ये करना है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, क्योंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखना है कि क्या प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके पॉलिटी में आता है, आप पॉलिटी में एनी में पढ़ोगे, बट स्टिल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन से, अच्छा ये बताओ कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 होता है ना, तो उसमें से किस में आता है ये? एग्जीक्यूटिव वाले हाथ ऊपर करो, और लेजिस्लेचर वाले, ओके, और बाकी लोग, चलो ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 5 में, तो पार्ट 5 में, पार्ट 5 का टाइटल क्या है, यूनियन ना, पार्ट 5 यूनियन है, हाँ यूनियन है, यूनियन में फिर एग्जीक्यूटिव है, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव का है, तो पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जो कि द यूनियन है, इसमें चैप्टर 1 ये क्या कहता है, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो कहां से कहां तक है, हाँ आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 to 78, ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इसमें इसमें दिया हुआ है पांच टाइप के एग्जीक्यूटिव दिए हुए हैं इस आर्टिकल में, कौन कौन से, हाँ ओके, एडवोकेट जनरल यहाँ थोड़े आएगा, यूनियन अटॉर्नी जनरल, हाँ और हाँ प्राइम मिनिस्टर भी आता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर प्राइम मिनिस्टर आपका है, और कौन है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन होता है,
लीगल एडवाइजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, लॉयर होता है बेसिकली, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, ठीक है। तो ये पांचों लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है, लेकिन इसके साथ ही, और जब आप आर्टिकल 79 से जाओगे, 79 to 122 क्या है, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो 79 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, समझ में आ रहा बात। मतलब प्रेसिडेंट वहां पे पार्लियामेंट का भी पार्ट है, समझ में आ रहा बात। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का भी इंटीग्रल पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी इंटीग्रल पार्ट है, समझ में आ रहा बात, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। सो ऑफ कोर्स वो मेन उस एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। सो आर्टिकल ये तो आप लोग लिख ही लोगे, प्रेसिडेंट मैंने बोल दिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शाल बी प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर शाल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, मतलब सारा एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो किसके हाथ में होगा, प्रेसिडेंट के, ठीक है। लेकिन यहीं पर इसका मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है ना। लेकिन यहीं पर आपको फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, इसीलिए 53, आर्टिकल 53 शुड बी रेड विथ आर्टिकल 74, ठीक है। 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु शैल एडवाइज प्रेसिडेंट, ठीक है, हु शैल एडवाइज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंगली, समझ में आ रहा बात। तो इसलिए आर्टिकल 53 शुड ऑलवेज बी रेड विथ 74, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम का हेड है वो, रबर स्टैम्प सॉर्ट ऑफ एक तरह से आप बोल सकते हो, इसलिए रबर स्टैम्प भी कुछ क्रिटिकी से बोलते हैं, ठीक है। इसे सिर्फ फाइनल अप्रूवल के लिए, साइन के लिए, इसे अप्रूवल के लिए चाहिए होता है, बाकी जो मेन काम होता है रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और वो कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में, समझ में आ रहा बात। दो आप 53 पढ़ोगे तो 53 में ये लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन 74 में ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसमें यह भी लिखा है कि फिर वो एडवाइज के हिसाब से काम करेगा, तो इसलिए ध्यान रखना ये। तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, रियल हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन स्टेट, राज्य, पूरे देश, उसका हेड कौन है, राष्ट्र, उसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति को आप लोग जानते ही हो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ये सब तो आप बचपन से पढ़े हो। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्शन का, इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली से देख लेते हैं। आर्टिकल 54 कहता है, दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्यों,
क्यों, कैसे इनडायरेक्ट कह सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ यस, क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें पब्लिक डायरेक्टली वोटिंग करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट इलेक्शन में आपका एमपी और एमएलए इन लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? एमपी और एमएलए, ठीक है। तो हम चुनते हैं एमपी और एमएलए को, पब्लिक यहां पर है, पब्लिक ने इलेक्ट किया एमपी और एमएलए को, ठीक है, और अब एमपी और एमएलए इलेक्ट करें किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो दो एक तरह से एमपी और एमएलए ने किया है, लेकिन इनडायरेक्टली तो किसने किया है? पब्लिक ने किया है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ रहा बात? तो ये लॉजिक है इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का इसको। अब उसके बाद आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा वो किसके द्वारा होगा? बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज लिखा हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएगा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्शन होता है, ठीक है, ये लोग इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में आता कौन है? बताओ। हाँ अच्छा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो करेंगे, और उसके बाद विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो, नॉमिनेटेड नहीं, यहां पर ध्यान रखना, इलेक्टेड वर्ड ध्यान रखना, नॉमिनेटेड नहीं। सो हाँ, जो चुने हुए रहेंगे निर्वाचित, तो ये इसमें रहेंगे इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि आपके लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, कौन से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? हाँ लोकसभा में एंग्लो इंडियन, यस, एंग्लो इंडियन कहां पर आते हैं? लोकसभा में। तो लोकसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा में कौन होते हैं? जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स राज्यसभा में आते हैं। ये चीज एक और लॉजिक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप लोग कैसे, कि जितना मारामारी होता है वो कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। तो लोकसभा में कौन लोग जाएंगे? जो एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, और जो एक्सपर्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में। तो इस तरीके से आप मतलब लॉजिक से थोड़ा ध्यान रख सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। सो इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे, और उसके बाद यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यहां पर भी इलेक्टेड, ठीक है, सेम, यहां पर भी नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। और ये जो स्टेट है इसमें स्टेट इंक्लूड्स दिल्ली और पुदुचेरी, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या इसके आएंगे कि नहीं आएंगे मेंबर्स? आएंगे। सो स्टेट इंक्लूड्स दिल्ली, दिल्ली एंड पुदुचेरी एज वेल। ये क्यों ये दोनों आते हैं? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है,
ये यूटी तो है लेकिन फिर भी यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए इन लोग के इलेक्टेड मेंबर भी इसमें आते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद तो ये तो हो गया इलेक्शन कौन करेगा। अब उसके बाद 55 आर्टिकल 55 क्या कहता है कि इलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। ये हो गया लिख के। यस पिंटू, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब तरीका, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का तरीका क्या है। तो इसमें कहा गया है कैसे होगा, इनडायरेक्ट तो इलेक्शन होता ही है लेकिन कैसे। यस हाँ, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। यस बिल्कुल सही। और ओपन बैलेट होगा या सीक्रेट बैलेट होगा। लास्ट टाइम मैंने ओपन करवाया था इसलिए सबको ओपन याद है। हाँ सीक्रेट बैलेट होगा। ठीक है, ओपन किसमें होता है, राज्यसभा में। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिस्टम जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और उसके बाद बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। और उसके बाद थ्रू सीक्रेट बैलेट। ठीक है, गुप्त मतदान। तो ये ध्यान रखना सीक्रेट बैलेट होगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां जहां आप भूल सकते हो वहां पर आपको क्या करना चाहिए पता है, वहां पर आपको रेड पेन से या कोई अलग पेन से हाईलाइट कर रखना चाहिए जहां पे आप भूल सकते हो। अलग पेन रखा करो, रेड पेन समथिंग लाइक दैट, ताकि उसको हाईलाइट करो। सेम पेन से करोगे तो डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया कि कोई नॉर्मल है या स्पेशल है। ठीक है, इसी ध्यान रखना। लिख लो आराम से लिख लो। आप जब रिविजन करते हो, बुक में भी पढ़ते हो, तो बुक में भी ऐसे ही सिस्टम किया करो कि कोई भी ऐसा डिफिकल्ट जो लगता है या कंफ्यूजिंग लगता है उसको रेड पेन से करने का, रेड पेन या रेड हाइलाइटर वगैरह से करने का। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इसमें एमएलए और एमपी का जो वोट होता है उसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, वो वैल्यू का कैलकुलेशन दिया हुआ है आर्टिकल 55 में, उसको लिखना है तो लिखवा दूं या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना तो वो लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इंपॉर्टेंट यूपीएससी में कोई नहीं बता सकता है, और जो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है या ये आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वैल्यू बदलता है लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। हाँ मैं फॉर्मूला की बात कर रहा, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं होता है। जनरली ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पूछ दिया है ये क्वेश्चन, ये चीज।
और यूपीएससी में आने के बाद तो इम्पोर्टेंट भूल ही जाना, ये इम्पोर्टेंट वाला कंसेप्ट कॉलेज में होता है, ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं चलता है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है वही इम्पोर्टेंट बन जाता है कभी कभी, ठीक है, सो ध्यान रखना है चीज़। चलो वैल्यू ऑफ द, इसको याद कर लेना आप लोग, करना होगा तो, जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एमएलए के वोट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इंटू 1/1000, ठीक है, ये आर्टिकल 55 में फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर जो उस विधानसभा के, उस विधानसभा के, उस असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनसे डिवाइड करना है उसके पॉपुलेशन को, ठीक है, और इंटू 1/1000। समझ में आ रहा है, ये हो गया एमएलए का, एमपी का, एमपी का भी लिख लो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, इसमें है टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस, ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी, बस, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, ये जो ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना वैल्यू, उसको सबको टोटल कर देंगे सारे स्टेट का, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, ध्यान रखना, नॉमिनेटेड नहीं है ना, टोटल, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हो गया ये, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कितना चाहिए, हाँ हाँ तो मतलब उसे कौन सा मेजॉरिटी कहते हैं, या वैल्यू कितना है बता दो, कितना परसेंटेज ये बता दो, फिफ्टी 51%, ठीक है, या 50% 1+1 कर सकते हो आप, तो मतलब बेसिकली उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो इलेक्टोरल कोटा होता है बेसिकली, इलेक्टोरल कोटा होता है, इलेक्टोरल कोटा मतलब इतना वोट आपको लाना है, ठीक है, इलेक्टोरल कोटा जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन
टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, वैलिड वोट मतलब जो वैध है, ठीक है, जितना वोटिंग हुआ है वो वैलिड जो वोटिंग हुआ है, ठीक है, उसका टोटल को डिवाइड करेंगे। वैकेंसी कितना होती है, प्रेसिडेंट कितने इलेक्ट होते हैं, एक या दो, एक, तो एक जितनी वैकेंसी है उसमें एक और ऐड करेंगे और यहां पर भी एक ऐड करेंगे, ठीक है, जितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है उसमें एक और ऐड कर दो, दो हो जाएगा, तो दो से डिवाइड कर देंगे और फिर जितना, मान लो कि ये 100 टोटल है, 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50, अब प्लस 1 कर दो 51, ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लियर, नहीं समझ में आया, हाँ फिर से बताऊं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, पोल्ड मतलब जो वोटिंग होती है, ठीक है, और वैलिड वोट मतलब क्या होता है कि वोटिंग होने के टाइम पे कुछ वैलिड वोट भी होता है, कुछ इनवैलिड भी होता है। वैलिड इनवैलिड मतलब क्या होता है कि जो बैलेट पेपर दिया जाता है उसमें मान लो कि किसी ने उसी में कुछ क्रॉस कर दिया या गलत तरीके से भर दिया, या फिर मान लो कि जो पेन दिया जाता है उन लोगों को, वो पेन से ना भर के कोई अपने पेन से भर दिया, तो वो इनवैलिड हो जाता है, वो वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल वैलिड वोट होगा वो वैलिड वोट को लिया जाएगा और उसके बाद दो से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये दो कैसे आता है, एक वैकेंसी है और उसमें एक और ऐड किया जाता है, और तो मान लो कि टोटल वैलिड वोट कितना है, से फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, ये कितना हो गया 2, तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50 और प्लस 1 कितना हो गया 51 हो गया। तो जिसको 51 वोट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये ध्यान रखना, इसीलिए इन्हें यहां पर मिलना चाहिए क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यस पिंटू, बिल्कुल सही। ओके, अब उसके बाद ये तो हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन, ये हम लोग थोड़ा जानते, जो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करवाता है वो क्या, मतलब क्या क्या स्टेप में करवाता है, क्या स्टेप्स होते हैं इलेक्शन, क्या डायरेक्टली इलेक्शन का डेटा, मतलब क्या सीधे इलेक्शन करवाने लगता है या कुछ उसके स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब शुरुआत कैसे होता है इलेक्शन का, बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा तुम बोल रहे हो इलेक्शन होगा, तुम बोलो नॉमिनेशन होगा, ठीक है, और बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत बताना उसमें कोई दिक्कत थोड़े होता है, ठीक है, आपको सही बताते तो फिर यहाँ पे क्यों आते हैं, है कि नहीं, हाँ गिनती होगी, ओके, और कुछ ऑर्डर बताओ कैसे कैसे होता है, मतलब हाँ वो तो चलो होगा, ये वो तो काउंटिंग के टाइम पे हो जाएगा, ओके ठीक है, बिल्कुल, ओके हाँ वो नॉमिनेशन हो गया, वो आपने जो कहा वो नॉमिनेशन कहलाता है, ठीक है, हाँ फीस लड़ना आएगा तुझे, मुझे नहीं पता यार, 25 या 50 हज़ार होता है कुछ शायद, ठीक है 15 हज़ार है, हाँ मैंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, दो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को स्किप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ आप अगर मैं लिखने जाऊँ, ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसमें यूपीएससी में दो कुछ मैंने भी कहा कि इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को रिस्क पे छोड़ना पड़ता है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, आप लोग बता रहे हो सही बता रहे हो, हाँ, उसे सेकॉन्डर कहते हैं, हाँ एंडोर्सर कहते हैं या सेकॉन्डर कहते हैं। चलो सबसे पहले, हाँ
हाँ प्रस्तावक कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है इलेक्शन कमीशन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है और उसमें क्या करता है, डेट अनाउंस करता है। तो जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ डेट, कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन कर सकते हो, ठीक है। डेट अनाउंस करता है, पता ही आप लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू न्यूज़पेपर में आता है कि अब इस दिन इलेक्शन होने वाला है या होगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये तो सिर्फ वो लोग आके ओरली वो लोग, वर्बली वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट अनाउंस करते हैं, बस एक डेट बता देंगे कि इस दिन इलेक्शन होगा, बस इतना ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, बोलो डिटेल नहीं देते हैं, लेकिन इस दिन इलेक्शन होगा, सिर्फ डेट इलेक्शन का बता देने से थोड़े होगा, उसमें बताना पड़ेगा ना कि भाई इस दिन आप फॉर्म भर सकते हो, इस दिन आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो वो सारा चीज नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट के बाद फिर नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, और ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रिलीज करता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था इस बार 15 जून को, ये 15 जून को हुआ था, ये सही डेट है, ठीक है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है, जस्ट मैं एग्जाम, ये याद डेट याद करना नहीं है, ठीक है, डेट याद मत करना, मैंने जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि 15 जून को नोटिफिकेशन आया, उसके पहले कुछ दिन पहले डेट अनाउंस हो गया था। उसके बाद क्या होगा, नोटिफिकेशन हो गया तो पहले आप नॉमिनेशन करोगे ना, पहले नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, तो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन होगा। अब ये नॉमिनेशन कब हुआ, 29 जून को, मतलब 29 जून इसका लास्ट डेट था, 29 जून तक आपको नॉमिनेशन फाइल करना था, मतलब आपको एप्लीकेशन भरना था जिस चीज को इलेक्शन लड़ना है, ठीक। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद क्या होता है, इलेक्शन होगा नहीं, इसके बाद स्क्रूटनी होता है, फॉर्म तो भर दिया, जैसे बोल रहा था ना कि मैं कितना पैसा लगता है, तो मान लो कि इसके बाद पैसा नहीं है और ये फिर भी भर दिया, तो अब क्या होगा, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अभी जैसे सेकेंडर की बात कर रहा था, एंडोर्सर की, तो अगर आपके पास, आप अकेले, मैं पहुंच जाऊं और मुझे कोई एंडोर्स करने वाला है ही नहीं, समझ में आ रहा बात, तो फिर क्या होगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर्स होता है वो फॉर्म में चेक करना पड़ता है, वो कौन चेक करता है, रिटर्निंग ऑफिसर चेक करता है, ठीक है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप लोग का यही काम होता है, ठीक है, वो सारा चीज स्क्रूटनी करना पड़ता है, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, स्क्रूटनी मतलब होता है चेकिंग करना, ठीक है, डिटेल में चेक करते हैं उसका एक एक चीज कि सारा चीज जो भी है फॉर्म वगैरह सही से भरा है या नहीं भरा है। तो इसका डेट था 30 जून तक इन लोगों को करना था स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, स्क्रूटनी हो गया, इसके बाद इलेक्शन होगा, इसके बाद होगा विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, स्क्रूटनी हो गया, स्क्रूटनी के बाद अब आपको मौका दिया जाएगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बोलेगा आपको कि जिस जिसको अभी भी लगता है कि आपने जोश में आके फाइल तो कर दिया है लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए आपको लग रहा है कि आप हार जाओगे बुरी तरह, तो आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वो विड्रॉवल का मौका दिया जाता है, विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन। और इसका डेट था 2 जुलाई तक। स्क्रूटनी हो गया, स्क्रूटनी होने के बाद जिन जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि जिसको अपना फॉर्म वापस लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब नहीं बोलोगे, अब इलेक्शन होगा, पोलिंग होगा, अब पोलिंग होगा, वही पोलिंग मतलब वोटिंग, ठीक है, पोलिंग होगा। और ये पोलिंग का डेट था 18 जुलाई को वोटिंग हुआ था, ठीक है। और उसके बाद
काउंटिंग होगा, ठीक है, काउंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑन द सेम डेट। जिस दिन काउंटिंग होता है उसी दिन शाम को अनाउंस होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया होते हैं जो वो अनाउंस करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मेनली अनाउंस करते हैं, ठीक है, नॉट इलेक्शन कमीशन। तो काउंटिंग, काउंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ये कल परसों ही हुआ था ना, इसका डेट मुझे याद नहीं है, दो तीन दिन पहले 21 को हुआ था। हाँ तो लिख लो, मुझे डेट मुझे याद नहीं है, आप लोग एक कहने पर लिख रहा हूँ मैं। तो ये तब जाके फाइनली इलेक्शन हो जाता है, ओके। तो ये स्टेप्स होते हैं, और कोई भी इलेक्शन जो होता है उसमें यही स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को या मेनली एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट, काफ़ी एस्पिरेंट लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता, ये स्टेप्स नहीं पता होता है, ठीक है। तो एज ए एस्पिरेंट आपको ये जानना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी पूछेगा तो आपको एज ए जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हो, ये सारा इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम यहाँ से काम ये पूरा यहाँ तक आरओ का होता है। आरओ बोले तो रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ही काम है, तो आपको एटलीस्ट प्रोसीजर तो स्टेप्स तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। चाहे जनरल इलेक्शन जो होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, उसमें भी यही प्रोसीजर होता है, यही स्टेप्स होते हैं। जैसे आपका जब लोकसभा का इलेक्शन होगा या विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, तो उसमें भी पहले अनाउंस होगा डेट, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज होगा, फिर उसके बाद नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी होगा, विड्रॉवल होगा, देन पोलिंग होगा, एंड देन काउंटिंग होगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक चीज और होता है कि मैंने बताया था कि जो वोटिंग होता है, ये जो पोलिंग होता है, वोटिंग, इस वोटिंग में कौन एमएलए और एमपी करेंगे वोटिंग। तो वोटिंग के टाइम पे मैंने कहा था कि एक व्हिप होता है, व्हिप बताया था लास्ट लेक्चर में, व्हिप जिसे हिंदी में सचेतक कहते हैं। तो जो व्हिप होता है, हर पार्टी अपना व्हिप अपॉइंट करती है, वो व्हिप का काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि सभी उस पार्टी के लोग उस पार्टी के डायरेक्शन के हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि इस इलेक्शन में, इस वोटिंग में क्या व्हिप इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं फिर भी, लेकिन व्हिप मान लो वो तो पता चल ही जाता है, फिर भी पता चल जाता है। वैसे इंडिविजुअली नहीं पता चलेगा, बट फिर भी उन लोगों के पास कुछ सोर्सेस होते हैं जिसे पता चल जाता है उन लोगों को, तो वो चाहे तो एक्शन ले सकते हैं उस हिसाब से, मतलब उनके पास होता है सोर्सेस। क्योंकि अब हर पार्टी के मान लो 50 मेंबर हैं, तो उसमें उनके पास उनकी एक्टिविटी से समझ में आती है कि कौन कहाँ वोट करेगा, वो उनके पास, उनको भी तो ऐसा नहीं होगा अचानक आज मैं आया मन माया राहुल गांधी का और वो जाके बीजेपी को वोट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अब राहुल गांधी वोट नहीं करेगा, तो वो कुछ आदमी होते हैं जो इधर उधर होते हैं, उनके पास सब लोग आपस में जानते हैं पार्टी के मेंबर्स कि कौन ऐसा कर सकता है, तो उस हिसाब से वो लोग एक्शन ले सकते हैं। और वो नहीं भी होगा तो मेन चीज है कि व्हिप इशू, पहली बात तो वो वोटिंग करना नहीं करना, व्हिप इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है। व्हिप इशू नहीं हो सकता इसमें, नो व्हिप, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में व्हिप इशू नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी किसी को भी वोटिंग कर सकता है, और उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का कौन से लॉ में, एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? तो लिख लो नो व्हिप, यहां पर नो व्हिप इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर किसी ने वोटिंग किया यहां वहां, ठीक है, तो उसके ऊपर एंटी जो भी नॉन डिस्क्वालिफिकेशन है, एंटी डिस्क्वालिफिकेशन का या एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और वो डिस्क्वालिफाई नहीं होगा। और दूसरा चीज, एक और चीज
क्या ये कंपलसरी है सबको वोट करना? सारे मेंबर्स को कंपलसरी है वोट करना, वोटिंग करना? नो कंपल्सन टू वोट, ध्यान रखना, ठीक है? कोई कंपल्सन नहीं है, नो कंपल्सन टू वोट। हाँ, तो सेक्रेटरी जनरल आईएएस ऑफिसर तो होता है, वो जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर ही तो होता है। नहीं फिर मतलब वो इलेक्शन कमीशन अपन, या तो इसका सेक्रेटरी जनरल अगर है तो ये कर लेगा, नहीं तो राज्यसभा कर लेगा, ठीक है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उनको अथॉरिटी देता है, वो अपॉइंट कर, ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि वही करेगा, ठीक है? लेकिन जनरली सेक्रेटरी जनरल को ही अपॉइंट किया जाता है क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर और अधिकारी वही है। अब उसके बाद इसमें एक और लास्ट चीज, एक लास्ट चीज ये है कि रिजल्ट तो आ गया, इलेक्शन भी हो गया, इलेक्शन होने के बाद क्या प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट को अपना मतलब ऑफिस मिल जाता है या कुछ और फॉर्मेलिटी होती है? वोट होता है, ओथ कौन कर मतलब एडमिनिस्टर करता है? यस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, और अगर सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सीजेआई, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन जो होता है प्रेसिडेंट का, वो कौन करवाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हो गया। एक और चीज ओथ से ही रिलेटेड, जो ओथ और अफर्मेशन है, ओथ अपने मन से वो लोग बना के लेकर आते हैं या वो कहीं दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दिया हुआ है? तीसरे शेड्यूल में, 58 में। ओके, शेड्यूल टू में, शेड्यूल टू में तो सैलरीज है, शेड्यूल टू में तो सैलरीज है, शेड्यूल फोर में तो राज्यसभा की सीट्स है। बताओ, आर्टिकल में दिया हुआ है। अब सबके जो ओथ और अफर्मेशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ही दिए होते हैं, शेड्यूल में देते हैं, तो फिर किसके कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में ही दिया हुआ है? किस किस का? खाली प्रेसिडेंट का, जो ओथ और अफर्मेशन है वो जो जनरली अदर देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बाकी सबके, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, ये सबके दिया हुआ है शेड्यूल थ्री में, ठीक है? जो अनुसूची तीन है शेड्यूल थ्री, उसमें दिया हुआ है सबके, किसके किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के छोड़ के बाकी सबके, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन टेक्स्ट है उसके अंदर, मतलब आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर ही दिया हुआ है, समझ आ रहा? आर्टिकल नंबर 60, ठीक है? आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का दिया हुआ है और आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है?
और 69 में वाइस प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं, चाहे एमपी, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीएजी, ये सभी लोग को वोट लेना पड़ता है। लेकिन इन सब का जो ओथ है, ओथ का जो फॉर्म है, जो ओथ का जो टेक्स्ट है, वो कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए मैं बता दी आप लोगों को। क्योंकि जनरली आप लोग जब शेड्यूल याद करते हो तो याद कर लेते हो कि शेड्यूल 3 में ओथ और अफर्मेशन है, तो आपके माइंड में एग्जाम में यही रह जाता है कि ओथ और अफर्मेशन शेड्यूल 3 में है। लेकिन सबके नहीं है, दो लोग के छोड़ के। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है या इंपीचमेंट होता है? ठीक है, इंपीचमेंट होता है, महाभियोग। तो आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट दिया हुआ है, तो आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से ग्राउंड पे होता है? मतलब क्या रीजन क्या आया, क्या किस कारण से हो सकता है? हाँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी कोई है ग्राउंड? सिर्फ और सिर्फ यही है, ध्यान रखना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट, महाभियोग। इसमें जो ग्राउंड है, मतलब जो आधार है, जिस आधार पर इसको हटाया जा, महाभियोग लगाया जा सकता है, वो क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। मुझे ये बताओ कि जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसे माना जाएगा? मतलब क्यों, किस केस में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? ये डिफाइन किया गया है वहां पर, मतलब इसे परिभाषित किया गया होगा ना, डिफाइन किया होगा, तो क्या इसे डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है ग्राउंड, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन किस चीज को, किस पर्टिकुलर एक्ट को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? क्योंकि हर आदमी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है वो अलग अलग हो जाएगा, होगा होगा ना, तो किस चीज को माना जाएगा फिर? या मतलब बेसिकली पहली बात तो हटाओ, माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो दिया हुआ है, डिफाइन किया गया या नहीं डिफाइन किया गया, ये मेन क्वेश्चन है। हाँ बोलो, अरे बोलो भाई, नहीं किया गया है? यस, नहीं किया गया है। ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड। और कैसे इंपीच किया जाता है? किस मेजोरिटी से? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। किस मेजोरिटी से किया जाता है? इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। कौन स्पेशल मेजोरिटी कौन सा माना जाएगा, कब माना जाएगा, मतलब कितना उसका क्या फिगर बताओ। हाँ, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ, यस, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये सबसे अलग है, सिर्फ इसी में ऐसा है, तो 2/3 ऑफ द टोटल
मेंबरशिप ऑफ द हाउस. और कौन सा हाउस? लोकसभा और राज्यसभा दोनों. लेजिस्लेटिव असेंबली का भी होगा. लेजिस्लेटिव असेंबली वोटिंग करती है ना इलेक्शन के टाइम पे, करती है ना, तो रिमूवल के टाइम पे भी करेगी? रिमूवल के टाइम पे नहीं करेगी, नहीं करेगी, ध्यान रखना. ठीक है, ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि रिमूवल के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही करती है. ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में तो वोटिंग करते हैं लेकिन रिमूवल में नहीं करेंगे. ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है और एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा. चलो हो गया, इसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं, लिख लेना चाहिए तो, इसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं. खैर, स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, तो आप कहीं पे और पढ़ना कुछ और आर्टिकल में, तो ये मत कहना कि यहां पे गलत बताया मैंने. स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, तो उसमें ये एक टाइप है. ओके, क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. 61 में है, हाँ, तो उसी में ग्राउंड दिया हुआ है, 61 में ही है. एक बार चेक कर लेना वैसे, लेकिन 61 में ही है एज फार एज आई नो. ठीक है, कोई डाउट? और इसमें जो रिमूवल होता है, जो इंपीचमेंट होता है, वो कौन सा हाउस कर सकता है? लोकसभा. मतलब कौन सा हाउस इनिशिएट कर सकता है? कोई भी. यस, कोई भी कर सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा. ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा करेगा, ठीक है. और जो इनिशिएट किया, मान लो कोई भी हाउस इनिशिएट किया, उस इनिशिएशन के लिए कितने मेंबर्स मिनिमम चाहिए? 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. 1/4, जो भी उस हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/4 होना चाहिए, ठीक है. 1/4 बोले तो कितना परसेंट? 25%, ठीक है. जो भी हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 25% मेंबर्स क्या करना चाहिए? रिजोल्यूशन देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए. उसके बाद कैसे होता है, मान लो कि लोकसभा के मेंबर्स ने दिया रिमूवल नोटिस, ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर्स ने दिया, उसके बाद उस लोकसभा में वोटिंग होगा पहले, ठीक है. लोकसभा में क्या होगा? वोटिंग होगा. वोटिंग में कितने लोग वोट करने चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है. ये अगर उन लोगों ने, इतने लोगों ने मिनिमम वोटिंग कर दिया तो क्या होगा? रिजोल्यूशन पास हो जाएगा लोकसभा में. लोकसभा में रिजोल्यूशन पास होने के बाद क्या होगा? राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है. जो चार्ज लगाया गया है उस चार्ज को, वो चार्ज सही है या नहीं, उसके लिए क्या करेगा राज्यसभा में? इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुरंत फिर वहां पे वोटिंग हो जाएगा. वहां पे पहले सेकेंड हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर चार्जेस सही साबित हुए तो फिर वहां वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद अगर फिर से वहां पर अगर 2/3 लोगों ने वहां पर वोटिंग कर दिया तब रिमूव हो जाएंगे. हाँ, वो तो नोटिस देना ही पड़ता है, 14 दिन का देना पड़ता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, क्लियर. तो ये ध्यान रखना. और अगर राज्यसभा ने नोटिस दिया है पहले रिमूवल के लिए, इनिशिएटिव राज्यसभा ने लिया है, तो राज्यसभा में पहले वोटिंग हो जाएगा और फिर उसके बाद कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? तब सेकेंड हाउस लोकसभा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा राज्यसभा ही करता है. कौन सा हाउस करेगा? सेकेंड हाउस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. और मैं इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यही सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं वही बता रहा हूं सिर्फ. अदरवाइज ये तो पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ जो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट है बस उसी को आपको एक बार बता रहा हूं. बाकी आप पॉलिटी में एनीवे पढ़ोगे ही डिटेल में, ठीक है. चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज विल मूव अहेड.